अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं JQI न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद इलियास जुया। खबर शामिल करते हैं आल पाकिस्तान जुया कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन सरदार शबीर खान जुया का JQI न्यूज़ HD के जरिए जुया बरादरी के लिए पैगाम कि तमाम जुया ग्रुप एक हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। और पैगाम में कहा कि मेरी खिदमत जुया भाइयों के लिए हर वक्त इनके साथ हैं। और कहा आजकल जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसके लिए एहतियात करें, सोशल फासला रखें। तमाम जुया भाइयों को दिल की गहराई से ईद मुबारक हो। और आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। इसके बाद उन्होंने JQI न्यूज़ HD की प्रवेश को पसंद किया और कहा कि यह आपका अपना चैनल है, इसको देखें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं मोहतरम सरदार कबीर खान जुया का बयान। मेरे प्यारे भाई जुया कौम, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और बैरूनी मुल्क में जो रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सब बरादरी वालों को ईद मुबारक देता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेहत से होंगे। और उसी के साथ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, आजकल जो ये वबा कोरोना चल रही है, इसका एहतियात करें ईद के मौके पे, क्योंकि इसकी जो ये जो बीमारी चल रही है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हद तक चली गई है। और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में इनकी इतनी टेस्टें नहीं हैं। अगर टेस्टें हो तो मुझे लगता है कि ये 40-50 हज़ार के ऊपर चली गई होंगी। तो बराए मेहरबानी आप मेरे भाई सब एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इस ईद के मौके पे अपने ही घरों में रहें, अपने बच्चों से मिल के जुल के अपने ही घर में रहें और वहीं पे ईद मनाएं। बाहर या किसी और से मिलना जुलना इस मर्तबा जो है वो उसका एहतियात करें। और उसी के साथ मेरे भाई जोया कौम को एक बात है वो कहना चाहता हूँ। रहीम, मेरे प्यारे भाई जोया कौम, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और बैरूनी मुल्क में जो रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सब बरादरी वालों को ईद मुबारक देता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेहत से होंगे। और उसी के साथ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, आजकल जो ये वबा कोरोना चल रही है, इसका एहतियात करें ईद के मौके पे, क्योंकि इसकी जो ये जो बीमारी चल रही है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हद तक चली गई है। और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में इनकी इतनी टेस्टें नहीं हैं। अगर टेस्टें हो तो मुझे लगता है कि ये 40-50 हज़ार के ऊपर चली गई होंगी। तो बराए मेहरबानी आप मेरे भाई सब एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इस ईद के मौके पे अपने ही घरों में रहें, अपने बच्चों से मिल के जुल के अपने ही घर में रहें और वहीं पे ईद मनाएं। बाहर या किसी और से मिलना जुलना इस मर्तबा जो है वो उसका एहतियात करें। और उसी के साथ मेरे भाई जोया कौम को एक बात है वो कहना चाहता हूँ